हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी वसनायक, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड फाउंडर ऑफ आईडीनेट सिस्टम, आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन में वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाकर करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे रही है। एक शानदार अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी जिंदगी को बदलने का विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस। आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिर्फ 18 साल की उम्र होनी चाहिए एंड यू मस्ट हैव अ लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। अगर ये डिटेल आपके पास है, 18 साल की उम्र है, आप ट्रांस में अपना कैरियर और एक मिशन ओरिएंटेड अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, मुझे आज से 20 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। पिछले 20 साल में मैंने और मेरे परिवार ने और मेरे साथ जुड़े हुए अनगिनत लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्त बनाया है इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। हमने आईडीनेट सिस्टम की स्थापना की, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने 20 साल के अनुभव को, अपने कईयों सालों के अनुभव के साथ साथ जो आज हमारे पास रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट्स को हम सब लोग मिलकर एनकैश कर सकें। दोस्तों, ट्रांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आम से आम लोगों की जिंदगी को भी खास बना सकती है। एक ऐसा मौका, एक ऐसा काम जिसको कोई भी इंसान अगर चाहे तो कर सकता है। जैसे कि किसी भी काम को अगर जिंदगी में हमें करना हो और कामयाब होना हो, तो उस काम में को करने के लिए नंबर वन विलिंगनेस, आपकी इच्छा का होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम किसी से भी आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। दुनिया में किसी को कोई भी काम कराना हो दोस्तों, अगर सामने वाले की इच्छा हो तो वो काम शानदार तरीके से हो सकता है। और इच्छा के साथ साथ, अगर ये डिजायर के साथ साथ, कहते ना, अगर बर्निंग डिजायर हो जाए तो बात ही कुछ और रहती। एक तो होता है ना कि लगी है आग सीने में, कुछ करके देखना है, जिंदगी में कुछ करना है, कि जब लगी हो आग सीने में तो मजा आएगा जीने में। तो सीने में कुछ आग लगी है, कुछ करके दिखाना है जिंदगी में, और मौके की एक अदद, एक मौके की तलाश है, तो वो तलाश यहाँ पर पूरी हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ट्रांस ने कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कुछ ऐसी मशीनें हैं हमारे पास में जो हजारों साल पुरानी एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर का जो साइंस है, एक प्रूवन साइंस है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, हेल्थ के लिए कोई अलग से नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट कंपनी ने बना के दिए जो आज पूरी दुनिया में यूनिक है। इसीलिए ट्रांस हट के है, ट्रांस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ट्रांस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट है। इसलिए ट्रांस को इतनी ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान पूरी दुनिया में मिली, क्योंकि ट्रांस ने स्पेशल प्रोडक्ट के साथ काम किया। ट्रांस के अगर मैं बात करूँ, डेली के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी हैं, वो भी ज़बरदस्त हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, डेली आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, सोप से लेकर, शैम्पू से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, हेयर ऑयल से लेकर, हैंड वॉश और डिश वॉश तक, सारे के सारे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के, स्पेशल, यूनिक। सैनिटरी नैपकिन पैड, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने करोड़ों बहन बेटियों की जिंदगी को बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बचाने का काम किया। ऐसे अमेजिंग और रिवोल्यूशनरी रिजल्ट्स हैं हमारे पास में कि आज हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है नैपकिन की,
लगभग 5,000 करोड़ का माल बिकता है हिंदुस्तान में सैनिटरी पैड का, जिसमें से 99.9% प्रोडक्ट जो हैं केमिकल बेस हैं, प्लास्टिक यूज किया गया है, और जब यूज करती हैं हमारी बहन बेटियां तो अनगिनत हेल्थ प्रॉब्लम्स उससे शुरू हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। हर 7 मिनट में एक औरत की डेथ होती है हिंदुस्तान में बिकॉज यूट्रस कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की वजह से। सोचिए, हमारे पास टियांस ने कुछ ऐसा नेपकिन दे दिया है जो अगर रेगुलर यूज करें तो इस तरह की समस्या आने का चांस ही नहीं है, और भगवान ना करें किसी को दिक्कत है उसने रेगुलर यूज किया तो बहुत ही अमेजिंग हेल्थ इफेक्ट। जब ऐसे प्रोडक्ट आपके पास हैं, ऐसे प्रोडक्ट जब जब बताते हैं ना, हम सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, इन प्रोडक्ट की जरूरत है हमारे घर में। आज हमारे घर में अगर आप देखें 4 में से 3 आदमी बीमार हैं, घर की स्थिति यह है कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई ना कोई ऐसा इश्यू है जिसको ओवरलुक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि यार चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। लोग बीपी की समस्या को ऐसे समझते हैं कि कोई समस्या नहीं है, डायबिटीज मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सिर दर्द रहता है कोई बड़ी बात नहीं है, वजन बढ़ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में ये इंडिकेशन है बड़ी समस्या आने वाली है जिंदगी में। शायद जो जमा पूंजी अभी तक बचाया था ना, वो एक झटके में निकल सकता है अगर हेल्थ ने धोखा दे दिया। और बुरी बात यह है दोस्तों सेहत के बारे में कि कभी कभी सब कुछ देने के बाद भी, सारी दौलत लगाने के बाद भी ये हेल्थ वापस नहीं आती है। तो सबके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे हेल्थ का होना पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा, कभी कभी आप सारी दौलत दे देते हो तब भी ये स्वास्थ्य वापस नहीं आता, ये हेल्थ अच्छी नहीं होती। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमें ये सिखा रही है, एक ऐसी कंपनी जिसने ऐसे प्रोडक्ट बना के दे दिया हमें, किन प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपनी भी जिंदगी बदलो और अपने संपर्क में आने वाले हर इंसान को आप रिकमेंड करो, उनको बताओ समझाओ आपका काम है, जिस काम को करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिस काम को करने से आपको दुआएं मिल सकती है, जिस काम को करने से आपको खुशी मिल सकती है, तो क्यों नहीं। और लोगों, दोस्तों, लोगों को आपने देखा होगा ना जाने पैसे कमाने के लिए कैसे कैसी चीजें बेचते हैं जो इंसान की सेहत को खत्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। दुनिया में ऐसे भी लोग व्यापार करते हैं और उनके व्यापार भी चल रहे हैं, और हमारे पास जो व्यापार है दोस्तों वो बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है। दिस इज गॉड गिफ्ट, ईश्वर का हमारे लिए तोहफा है कि हमें एक ऐसा काम मिल गया है जिस काम में हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। जब लोग अच्छी सेहत बनाएंगे, जब वो आगे इसको रिकमेंड करेंगे, तो एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी टीम खड़ी हो सकती है जिससे आप बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते। इसके लिए 3 चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बिजनेस में आपने देखा होगा किसी को भी शुरू करना हो, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये 4 कार्ड है। ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू कर सकते हो या सिल्वर से या गोल्ड से, लेकिन जो सबसे बेस्ट कार्ड है वो प्लेटिनम कार्ड है, और प्लेटिनम कार्ड के लिए आपको खुद का गोल्ड कार्ड करना जरूरी है। आप खुद का गोल्ड कीजिए, जो कि लगभग 50,000 रुपये का सामान परचेज करने से होता है। अगर आपने अपना गोल्ड कर लिया और जिंदगी में एक बार ही गोल्ड करना है, अपने साथ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर 2 लोग आपके साथ जुड़ गए गोल्ड से, आपने गोल्ड किया तो आप प्लेटिनम बन गए जिंदगी भर के लिए। अगर आपने ये काम किया तो आपका काम भी शुरू हो गया, आपकी टीम भी शुरू होगी। तो सिर्फ शुरुआत की बात करूं मैं आप, वो भी प्लेटिनम बनना इसलिए। इसके बाद आप 3रा 4था 5वा जितने मर्जी लोगों को चाहे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अनलिमिटेड लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए आप अपने इस काम को एक मिशन की तरह ले सकते हैं कि इस काम में मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। जोड़ना अच्छी बात होती है, तोड़ना बुरी बात होती है। अच्छे काम में जोड़ना तो और भी अच्छी बात होती है।
तो दोस्तों यहां पर आज का टॉपिक जैसे है कि प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? हर इंसान हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है, संभावित सदस्य, संभावित बिजनेस पार्टनर, संभावित एक ऐसा इंसान जो इस काम को में शामिल होना चाहता है, उसको हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। हर शख्स शुरू में एक प्रोस्पेक्ट होता है और उसकी जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम उससे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे हम डायरेक्ट बात करें या टेलीफोन पे बात करें या जाके मिल के बात करें या अपने पास उसको बुलाएं हम, इस सारा का सारा काम आपने जब निभाया, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग का काम। आपका काम और हमारा काम है दोस्तों कि हमें इस काम को, इस इन प्रोडक्ट्स को, इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा काम है। जब आप किसी को बताते हैं, एक आदमी को, दो आदमी को, तीन, आप सपोज करते हैं कि आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ लोगों ने आपको मना कर दिया, कुछ लोगों ने हाँ कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, क्या फर्क पड़ता है? एवरेज है। अगर आप 100 लोगों से मिलते हो तो कम से कम 10 से 15 लोग आपको हाँ करते हैं। आप डायरी में लिख लीजिए, आपका काम है 100 लोगों तक जाना। आपका एक ही धर्म है, एक ही कर्म है और एक ही मकसद है, आपको 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी, जिसमें से 10 से 15 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। मतलब आप 10 से 15 लोगों को स्पॉन्सर करने वाले हैं। और 100 के बाद अगर आपने 100 और लोगों से मिलेंगे तो 10 से 15 लोगों को आप और स्पॉन्सर करने वाले हैं। ये मिनिमम है, कईयों का रेशियो तो बहुत हाई है। 100 लोगों से मिले, 50 लोगों को जोड़ दिया। 100 लोगों से मिले, 60-70 लोगों को जोड़ दिया, बहुत बड़ा रेशियो। 100 लोगों से मिले, 80 लोग जुड़ गए, ये है एक्सेप्शनल, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसी रेपुटेशन है, या आपने लोगों के साथ में इतने शानदार संबंध बनाए हुए हैं, कोई भी इंसान आपको मना ही नहीं कर रहा है। यह आपकी पास्ट की अचीवमेंट है, जो पास्ट में आपने मेहनत की होगी ना अपनी जिंदगी में, आपने जो रिलेशनशिप बनाए कईयों सालों से आपकी जिंदगी, 18 साल की उम्र कंपनी ने बोला है, और इंसान 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद तो उसकी रेपुटेशन बननी शुरू होती है, ये बच्चा बहुत प्यारा सा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है ना, बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ बच्चा है ना, बड़ी रिस्पेक्ट करता है, बड़ी इज्जत देता है, आपके करेक्टर का परसोना तैयार रहता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आस पास में जो लोग होते हैं ना, वो जानते हैं आप कौन है, कैसे आप डेवलप हो रहे हैं, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है आपके अंदर। और धीरे धीरे जब आप अपने कर्मों से रेपुटेशन बनाते हैं, फिर जाके आप मार्केट में कुछ करना चाहते हो, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। ये उन लोगों के साथ है जिनका इस तरह का पर्सोना रहा होगा, लेकिन किसी ना कोई उल्टे सीधे काम किए होंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए ये है कि कोई विश्वास करके राजी नहीं है, क्योंकि आपके कर्म आपके आगे आ गए। नो प्रॉब्लम, पास्ट को दोस्तों कहते ना, जो पास्ट में हो गया हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसे होगा। जो आज आपको मिल रहे जीवन में, उनको कुछ पता नहीं आपके पास्ट के बारे में, लेकिन जिनको जो लोग आपको जानते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनको आप जानते हो, जो आपकी रेपुटेशन को अच्छी तरह से जानते हैं, कि भाई साहब आप तो बहुत बड़े हो, जो भी हो, समझ गए ना आप, तो दोस्तों आपको दिक्कत होनी होनी है। आप ऐसे 100 लोगों को छोड़ दीजिए जिनके सामने आपकी रेपुटेशन खराब है, जिनके सामने आपने उल्टे सीधे काम किए हैं, ऐसे 100 आदमी तो छोड़ दीजिए। अगर आप 10,000 लोगों से भी मिल गए ना, तब भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आपका तो नाम बदनाम है खतरनाक तरीके से। आपके लिए तो एक ही रास्ता है, आप प्रोस्पेक्टिंग करें नए लोगों के साथ, जो आज हर रोज आप हर रोज लोगों से मिलते हैं, और जब आप चाह के मिलेंगे ना, चाह के जाएंगे, क्योंकि आपको काम करना है, तो लोगों की कमी नहीं है। आपके आसपास लाखों लोग हैं जो जानते भी नहीं आपको, पहचानते भी नहीं आपको, और आपको नहीं, जो लोग जुड़ेंगे ना, फिर याद रखना, जो जुड़ते हैं ना, वो देखते हैं चीज क्या है नंबर वन, उसके बाद देखते हैं ये बंदा क्या है। तो आपने जो पास्ट में गलती की है, वो अब दोबारा नहीं करनी। अब आपको उन लोगों से सीखना है जो इस सिस्टम में,
इस काम में कामयाब हो रहे हैं, उनकी स्टोरीज आपके लिए टेस्टमनी का काम करेंगी, उनकी स्टोरी बिकेंगी आपके पास। आपके खुद का स्टोरी नहीं है, आपके पास खुद का कोई सर्कल नहीं है, खुद का कोई रेपुटेशन नहीं है, खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन आज आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जुड़ गए हैं जहां पर ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां हैं, जिन लोगों के पास दो वक्त की रोटी के खाने के लाले थे, जो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते थे, जिनके पास कुछ था ही नहीं, ना लिंक थे, ना जान पहचान थी, ना पैसा था, ना फैमिली थी, ना रिश्तेदारी थी, ना बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था, ना पढ़े लिखे थे ज्यादा। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर जब जबरदस्त कामयाब हो रहे हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। ऐसे लोगों को देखकर आपको फीलिंग आनी चाहिए, मेरी तो स्थिति फिर भी इससे बेटर है, जब ऐसे इंसान यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं हम क्यों नहीं। और साथ में जब आपके पास में टेस्टमनी है तो दोस्तों जो टेस्टमनी है ना उसको शेयर कीजिए। आपकी खुद की रेपुटेशन नहीं है लेकिन उस टेस्टमनी की रेपुटेशन है। जब आप बताते हैं ना आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं मिलकर, ये लोग हैं मेरे मेंटर, ये मेरे गुरु हैं, मेरे कोच हैं, इनकी लीडरशिप में मैं काम कर रहा हूं, यहां से मैं लर्न कर रहा हूं और यहां मुझे अपना जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है, सामने वाला दोस्तों आपको ज्वाइन करता है, स्पॉन्सरिंग करते हैं हम लोग। जब हम लोगों को मिलते हैं, मिलने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। अगर आपका रेपुटेशन खराब है तो नए प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी रही है, ठीक ठीक रही है, कोई आपके रेपुटेशन में कोई दाग नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया आज तक जिंदगी में, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, आपको एक एक इंसान से मिलना है जो आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, जान पहचान, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, जहां आज तक आपने नौकरी किया था, कोई काम धंधा किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, आपके हो गए, आपकी वाइफ के हो गए, इवन आपके मदर फादर के भी हो सकते हैं, आपके भाइयों के भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां जहां लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, हर इंसान को जाके आप अपना कॉन्फिडेंस शेयर कीजिए, अपना विजन, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए ब्रीफ में, और फिर साथ में स्टोरी शेयर सेल कीजिए। जब आप स्टोरी बताते हैं तो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं पर एक दूसरे के साथ में लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और वो फील करते हैं, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा हो रहा है, ऐसा है? हाँ, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदल रही है। जैसे दुनिया में हर चीज बदल रही है, तो पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं, जिंदगी में कामयाब होने के तरीके बदल रहे हैं, सक्सेसफुल होने के तरीके बदल रहे हैं, सेलिब्रिटी बनने के तरीके बदल रहे हैं। आज जरूरी नहीं कि आप फिल्मों के हीरो बनेंगे तो ही आप सेलिब्रिटी बनेंगे, आज ये नहीं है कि आप कोई खेल में खिलाड़ी बनेंगे तो सेलिब्रिटी बनेंगे, जरूरी नहीं है आप देश के पॉलिटिशियन होंगे तो आप फेमस होंगे। आज आपके सामने इतना शानदार काम है, आज मैं कह सकता हूं कि आज लाखों लोग हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, दुनिया भर के कई देशों में आज मैंने एक पहचान बनाई है इस बिजनेस की वजह से, अदरवाइज मुझे कौन पहचानता। आज पाल बी बसनायक और ये जो फोटो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, जब ये फोटो कहीं भी जाती है ना तो पहचान लेते हैं कि कहते हैं ये तो मिस्टर पाल है। व्हाई? आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया में 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। आज दुनिया में सबसे बेस्ट वायबल सोर्सेज माना गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी को खत्म करना है, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना के बराबर लागत है और सिखाने और समझाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक से एक यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, हर चीज आपको देने के लिए एक से एक लोग बैठे हुए हैं। जब इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, उसकी रेपुटेशन तो है सर दोस्तों, लेकिन आपने देखना है कि उसको आप इनकैश कर पा रहे कि नहीं। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब इस तरह की बातें आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो, तो मैंने कहा ना 100 में से 10, 15, 20 लोगों की एंट्री पक्की है। अब तो सवाल यह है कि 100 लोगों से जल्दी मिलने का है। डेली हिसाब लगा लो, आज कितने लोगों को मिलना है, कितने दिन के अंदर आप 100 लोगों को निपट सकते हो। जैसे 100 पूरे हुए, इतने लोग एन हो गए, अब अगला टारगेट है फिर 100 लोगों से मिलना है। जिस दिन आप 1000 लोगों से मिलेंगे, लिख लीजिए डायरी में, जिस दिन आपने बोला मैं 1000 लोगों से मिल चुका हूं, आप कम से कम 150 से 200 लोगों को अपने साथ जोड़ चुके होंगे। और ये 150 से 200 लोग आपको लखपति नहीं,
करोड़पति बना देंगे। लिख लीजिए डायरी में इस बात को भी आज। 8 जून 2023 की ये कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और रात के लगभग 9:45 की कहानी है कि मैं आपको जो आश्वासन दे रहा हूं और जो मैं आप भविष्यवाणी बता रहा हूं और जो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्फिडेंस के साथ में ये आपके साथ होगा। 100 लोगों से तो मिलिए, 200 लोगों से मिलिए, जिस दिन 1000 लोग आपने मिल लिए ना, पीछे जब मुड़ के देखोगे ना, आप दोस्तों लीजेंड बन चुके होंगे, लीजेंड। आप जीनियस बन चुके होंगे, लोग बोलेंगे भाई साहब आप तो बड़े टैलेंटेड आदमी हो, आपने तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। आप तो क्या बोलेंगे, भाई साहब हमें कुछ नहीं है, हम तो खाली पीली थे, हमारे बस का कुछ नहीं था जिंदगी में। क्योंकि किसी भी काम को कोई इंसान जब बार बार करता है, बार बार करता है, तो उसमें परफेक्ट हो जाता है, उसमें वो मास्टर हो जाता है। और पूरी दुनिया क्या सोचती है, पता नहीं इसमें टैलेंट था। टैलेंट पता किसमें था, टैलेंट था आपके मेहनत में, आपके प्रैक्टिस में, आपके अप्रोच में। ये दो काम अगर आपने कर दिए, और तीसरा मैं आपको जो बताने वाला हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, टियांस बिजनेस का कोर है। कोर आप जानते हैं कोर क्या होता है, जैसे नाभि होती है ना इंसान के पेट में, पूरी बॉडी के अंदर नाभि जो है ना वो कोर है इंसान का। अगर आपकी नाभि जो है दोस्तों इस बिजनेस की, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ प्रमोशन, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जिसको प्रमोशन और डुप्लीकेशन आ गया, प्रमोशन में डुप्लीकेशन आ गया, आपको प्रमोशन में डुप्लीकेशन करना आ गया, इस बिजनेस के आप किंग बन जाओगे, क्वीन बन जाओगे, किंग मेकर, क्वीन मेकर, प्रिंस मेकर, प्रिंसेस मेकर बन जाओगे। ये शक्ति है इस बिजनेस की, प्रमोट करना एक कला है, दिस इज द आर्ट ऑफ प्रमोशन इसको कहते हैं। और अक्सर कमर्शियल दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया में दोस्तों प्रमोशन किसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसके लिए 10-10 सेकंड के ना 10-10 लाख रुपए देने पड़ते हैं टीवी में, प्राइम टाइम में 10 सेकंड की एड आती है, एक बार 10 लाख गए, दूसरी बार आई 10 बार आई 1 करोड़ रुपए चले गए। अगर 100 बार डालनी है ना वही 10 सेकंड की एड, पता चलता 10 करोड़ रुपए लग गए। कंपनियां 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। आपको मालूम है कोका कोला का नाम सुना होगा, पेप्सी का नाम सुना होगा, कोका कोला 1 लाख करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। जो कोका कोला जब पीते हो, कोका कोला में कोई जूस नहीं है, कोका कोला में कोई विटामिन और मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। सोचिए उसको पीने से आपका सेहत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, खराब होने के फुल चांसेस हैं। लेकिन ऐसा ड्रिंक कोक जिसको बोलते हैं आप, पूरी दुनिया में पीते हैं लोग, और लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में 1 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ ओम नमो स्वाहा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर की जाती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं आह पेप्सी करने के, आह कोका कोला करने के, कोका मतलब ठंडा मतलब कोका कोला बोलने के करोड़ों रुपए लेते हैं। क्या लगता है आपको वो कोक पीते होंगे, वो शायद टॉयलेट जो होता ना उसमें धोने के काम आता है, वो लोग ऐसे काम करते हैं, आपने देखा भी होगा पीछे न्यूज में आ रहा था, क्या क्या कर सकता है वो, हम क्या कर रहे हैं। बट मैं बताना चाहता हूँ एडवर्टीजमेंट इतना कॉस्टली फैक्टर है, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का हिस्सा है, प्रमोशन करने का मतलब है आपने एडवर्टीजमेंट, तो प्रमोशन के बिना कोई बिजनेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए जो खर्च कर सकते हैं, वो इसीलिए अमीर बन रहे हैं क्योंकि उनको आता है, उनको मिट्टी बेचना आता है, उनको वो पानी बेचना आता है जिस पानी को पीने से कोई सेहत ठीक नहीं होती है, उल्टा खराब हो सकती है। क्यों बिकता है, कि प्रमोशन में दम है। तो दोस्तों प्रमोशन कितनी जबरदस्त चीज होती है, मैं वो बताना चाहता हूं। अब मैं बात करता हूं अपने बिजनेस में प्रमोशन की पावर। यहां प्रमोशन क्या है, यहां प्रमोशन है कि आपको आपको प्रमोशन करना पड़ेगा अपने बिजनेस का। ये बिजनेस आपका है, किसी और का नहीं है। अगर कोई आप सोच रहे ना कोई और आएगा और फिर आपका बेड़ा पार करेगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आज तक नहीं हुआ ऐसा कि आपके लिए कोई और करके देगा, बाय डिफॉल्ट हो सकता है किसने किया अपने लिए था लेकिन हो आपका गया। लेकिन अदरवाइज आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यू डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, आपको डिजर्व करते हो आप कामयाब होने के लिए, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वक्त आपको समय देगा, उस वक्त में उस समय के अंदर अगर आपने उसको एनकैश कर लिया,
आज आपकी जिंदगी में टियांस आई है, अब आपके पास मौका है अपने आप को इनकैश करने का, अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन अगर आज आप मौका ना लेकर आज भी आप एक्सक्यूज बना रहे हैं, आज भी आपको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, यकीन करना फिर वही वाली कहानी है कि हम जिन दिन को भी जागे में भी सोए में, जितना मर्जी समझा लो नई कहानी समझ आ रही, क्योंकि हम तो सोए में सर। तो दोस्तों सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा कि हम तो भक्त हैं, भक्त हैं, आप हमारे गुरु हो, है ना, हमने तो गुरु बना रखा है। यकीन करना दोस्तों, गुरु मानने से किसी का जिंदगी नहीं बदली है, गुरु मानने से किसी की जिंदगी का बेड़ा पार नहीं हुआ है, गुरु की मानने से बेड़ा पार हुआ है। इसीलिए गुरु को गुरु कहते हैं, जब गुरु को मानते हैं, गुरु की मानते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और जिंदगी बदल जाती है। प्रमोशन का मतलब इस बिजनेस में क्या है, यहां पर आपको प्रमोशन करनी है खुद की, कि आप इस बिजनेस में कूद चुके हो, इस बिजनेस में ये पावर है, वो शक्ति है, वो ताकत है कि हेल्थ अच्छी, वेल्थ कमाने का मौका, दुनिया भर घूमने का मौका, है ना, और साथ में आपको जो रिकॉग्निशन, जो इज्जत और मान सम्मान मिलती है, सुपर, ये कौन प्रमोशन करेगा, ये आपको करना है। अपने बारे में प्रमोशन कर रहे हो कि आप ऐसे काम को कर रहे हो, आपने एक ऐसे काम को करने का डिसीजन लिया जीवन में जिस काम की ये क्वालिटी है। नंबर टू, प्रमोशन क्या होता है दोस्तों, जब इन प्रोडक्ट को आपने यूज किया, रिजल्ट आए, आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है, आप लोगों को बता रहे हो मैं इन प्रोडक्ट को यूज करने से पहले मुझे ये दिक्कत थी, ये तकलीफ थी, इस तरह की प्रॉब्लम थी, जब से मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया उसके बाद मुझे ये फायदा होना शुरू हो गया, दिस इज प्रमोशन। आपने क्या किया, अपनी टेस्टिमनीज को प्रमोट किया, क्या आप ऐसा कर पाए हैं अभी तक, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आप करिए दोस्तों, नहीं किया, नहीं किया, अभी तक नहीं किया, नो प्रॉब्लम, अब भी करोगे जिंदगी बदल जाएगी। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रमोशन, उसकी क्वालिटी, उसके बेनिफिट बताना नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट का आप जितनी मर्जी क्वालिटी बता दो, जितने मर्जी बेनिफिट बता दो, नहीं बिकेगा माल, यकीन करना। आप अपनी फीलिंग बेचिए, आपके एक्सपीरियंस और फीलिंग और स्टोरी जो आपकी है ना, जो आपके अनुभव है, जो आपने रिजल्ट पाए, उन रिजल्ट की बात कीजिए। लोग रिजल्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लिख लीजिए डायरी में। आपको प्रमोशन करना आ गया क्योंकि आपने सीखा, यहाँ बात को सुना हमारे ध्यान से, आप सोए हुए नहीं थे, आप सुन रहे थे, जो बताया जा रहा है उसको फील कर रहे थे और उसको आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की ठान ली, क्योंकि आपने गुरु मानना नहीं है, गुरु की माननी है। प्रमोशन कितनी पावरफुल चीज होती है दोस्तों, यह बिजनेस कितना पावरफुल है कि मात्र, मैंने जिसे कहा ना, आपने वीडियो देखी थी, 15,000 रुपया से शुरू किया था मैंने बिजनेस, मैं पिछले 20 साल में कईयों करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमा चुका हूं। सोचिए 15,000 रुपया मैंने परचेजिंग की थी यहां पर, आज से 20 साल के 15,000 और आज के 1.5 लाख के बराबर है। सोचिए आप, आज कोई आदमी 1.5 लाख से भी शुरू करता है तो ये मान के चलता हूं कि भाई साहब ये 15,000 ही है, 1.5 लाख होते क्या है आज की डेट में। एक पान की दुकान नहीं खुलती है, एक छोटा सा कहते ना वो खोखा नहीं खुलता है किसी चीज का, छोटा मोटा कोई काम धंधा भी करना हो, टायर की पंचर की दुकान भी लगानी हो, तब भी 1.5 लाख से ज्यादा चाहिए। वो नेम फेम जिंदगी बल्ले बल्ले नथिंग, सब कुछ थल्ले थल्ले कहते ना। तो सोचिए ये कौन करेगा प्रमोशन, कौन बताएगा, ये आपको बताना, ये सीखना है, ये कॉन्फिडेंस है आपका। जब सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस भेजते हो ना अपना, तो सामने वाला बोलता है भाई साहब इसके साथ काम करके मजा आएगा, बंदे में नजर आता है दम। आपके अंदर दम कब होता है, जब आप उस बिलीफ के साथ चीजों को प्रमोट कर रहे हो। आप जाके कागज पेन लेके खोल के बैठे हो, कागज पेन काला कर रहे हो, किसी को नहीं समझ आता है कागज पेन से, जितने मर्जी पन्ने खोल खोल के दिखा दो किताबों के, कोई नहीं समझ आएगा। जितनी मर्जी आप कुछ कर लीजिए, लोग याद रखिएगा, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। लिख लीजिए आज डायरी में, टियांस के बारे में जितना मर्जी तारीफ कर लो आप, वो फीलिंग नहीं आएगी सामने वाले में। टियांस क्या है और कौन कौन क्या क्या है, पहले सबसे पहले आपका फीलिंग। तो आपको प्रमोशन करना आना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, उसकी टेस्ट मनी, बिजनेस की ताकत, फिर टेस्ट मनी आपने शेयर की। जैसे मैंने कहा, आप मेरी कहानी अगर किसी को बताओगे क्या फीलिंग आएगी उसको, जब मैं किसी और की कहानी बताता हूं, एक शख्स जिसका कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम उसका घर जल गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरे घर में आग लग गई,
पूरा का पूरा परिवार देखते देखते सड़क पे आ गया, और वो पूरा का पूरा परिवार जब सड़क में आ गया, अब क्या करें, उन्होंने डीवीडी सीडी बेचने शुरू की, नॉनस्टिक कुकवेयर बेचने शुरू किए पटरी पर। सोचिए, किसी का घर जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति बन गई कि अपनी दाल रोटी के लिए उसको डीवीडी और नॉनस्टिक कुकवेयर जैसी किचन का सामान बेचना पड़ जाए पटरी पर। ऐसे समय में उसको टियांस का बिजनेस किसी ने समझाया अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उसने इसको ज्वाइन कर लिया साल 2000 में, और 2000 में काम शुरू किया, और 2002 में उसके घर में 2 BMW कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिली, लाखों रुपए की इनकम सेट हो गई, शानदार जिंदगी बल्ले बल्ले। और आज वो शख्स कम से कम, अगर मैं बात करूं, कम से कम 15 करोड़ की तो गाड़ियां खरीद चुका है, आज करोड़ों रुपया इस बिजनेस से कमा चुका है, हर साल करोड़ों रुपया आ रहे हैं। नाम है लुइस, वन ऑफ द रिचेस्ट नेटवर्क मार्केटर इन इंडोनेशिया। इसकी कहानी मैंने कम से कम, ज्यादा नहीं बोलता, मैं 20 साल में कम से कम 5000 बार तो मैं बोल चुका हूँ, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, 5000 बार में इस स्टोरी को लोगों को बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस स्टोरी में दम है। जब आप अपनी स्टोरी बताते हो, अपने सीनियर की स्टोरी बताते हो, किसी रोल मॉडल की स्टोरी बताते हो, दैट इज अ प्रमोशन। आपको प्रमोशन सीखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग तो कर ली आपने, स्पॉन्सरिंग भी कर ली, लेकिन अगर आपने प्रमोशन नहीं किया तो फिर बैक टू स्क्वायर हो जाएंगे, आप जहां से शुरू हुए थे वापस फिर जीरो। आए थे, लाए थे, चले गए। क्यों? जो आए थे ना, आपने उनको सिस्टम में डाला ही नहीं। इसके बाद कर बात करते हैं दोस्तों, प्रमोशन किसकी करनी होती है? प्रमोशन करनी होती है सिस्टम की। वाय? सिस्टम की क्यों? क्योंकि जिनको पैदा किया ना, सबको एक साथ में एक सूत्र में रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग होता है। लेकिन जब वो सिस्टम में आते हैं, वहां उनको अपने जैसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं। ये मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा है, उसके जैसे तो मेरे साथ में बहुत लोग भी जुड़े हुए हैं। सबको रिलेट करने का मौका मिलता है एक दूसरे के साथ में, जब आप किसी माहौल में होते हो, माहौल में आप अपने जैसे लोगों को ढूंढते हो। जब आपको रिलेट करने में मौका मिलता है ना, यार ये मेरे जैसा है, वो भी मेरे जैसा है, अरे ये तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है, अरे ये कामयाब हो गया तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, तो समझ लो स्पार्क शुरू हो गया, आग शुरू हो गई, फायर जबरदस्त होनी शुरू हो गई। प्रमोशन आपने किसकी की? किसका? शाम को आ जाओ जूम में। अब इस जूम में हिंदुस्तान के कहां कहां से इस देश के लोग बैठे हैं, अलग अलग राज्य से, अलग अलग रीजन से, कौन सा लीडर, कौन सी प्रमोशन, कौन सी बातें, किसको कहां पे क्या अपील कर दिया, कोई पता नहीं। आपकी टीम कनेक्टेड है, आप बैठे हुए यूं हाथ में हाथ डाल के आराम से, कोई भी लीडर यहां आ रहा है, अपनी स्पीच दे रहा, अपनी बातें बता रहा है। दिन में 1 घंटे का टाइम एवरी डे का आपने रूटीन बना रखा, जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है, वो डेली सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती है ना, और अपना घंटी घुंटी बजाते रहते हैं लगातार, अपने 1.5-2 घंटे तक लगे हुए मंत्र उच्चारण, है ना। क्यों? क्योंकि उनका एक रूटीन बना लिया उन्होंने, तुझे डेली 1-1.5-2 घंटा तो सुबह पूजा करनी ही करनी है। वो करोड़ोंपति भी हैं, वो अरबोंपति भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने एक रूटीन बना रखा है। सोचिए आप, आपका क्या ऐसा कोई रूटीन है? मैं बोलता बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, कि ईश्वर से ये कहना कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना, ऐसी ताकत देना, कि हम अपने लिए भी कुछ कर पाएं जीवन में, और औरों के लिए भी कर पाएं हम जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, सुबह कर रहे हैं, तो शाम को कर लो फिर, है ना। शाम को हम लोग आ जाते हैं भाई सत्संग के लेके। सत्संग किस बात का है? कि जीवन को हमें बेटर करना है। अगर आप लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, कहते ना बेटर टियांस बेटर लाइफ। आज टियांस एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस काम को करने के लिए कुछ तरीके हैं। प्रमोशन, आज आपके सामने प्रमोशन आया है, 4 गोल्ड कर लो, या 1600 BB का बिजनेस किया आपने, आपको 5-स्टार होटल में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वहां जो स्विमिंग पूल है उस स्विमिंग पूल में जाके आप शानदार तरीके से एंजॉय करना, एक 5-स्टार के एम्बियंस के अंदर 2 दिन की हार्ड कोर ट्रेनिंग, आप महसूस करें कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वहां महसूस करेंगे कैसे कैसे लोग कहां से शुरू किए और कितने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं,
जब ये सब चीजें आप वहां जाके फील करेंगे ना, ये दो दिन की ट्रेनिंग आपकी पूरी जिंदगी का एक नया रास्ता बना सकती है। बट इसको सीरियस लेने के लिए प्रमोशन, मैं हर रोज यहाँ आ रहा हूं, या आपके जितने भी सीनियर होंगे, या आप भी अपनी टीम को प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पूछने की बात है अपने आप से। क्या आप एक्चुअल में जो प्रमोशन कंपनी ने दी है 1600 बीवी की, उसको आप खुद क्वालिफाई कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप क्वालिफाई कीजिए, जब आप क्वालिफाई करेंगे ना, फिर देखना आपकी टीम में कितनी बड़ी आग लगने वाली है। हो सकता है इस महीने आपने क्वालिफाई किया या आपके नीचे कुछ लोगों ने किया, लेकिन हर महीने जब ये हैबिट बन जाएगी ना, कुछ भी आए, क्योंकि आपको पता है 100 लोगों से मिलेंगे 15 से 20 हाँ मिलने वाली है, 200 से मिलेंगे, हर महीने आप 100 लोगों से मिलिए, पूरे साल का कोटा सिखा दिया मैंने, पूरे साल में 1000 नहीं 1200 लोगों से मिलना है। आप कुछ भी प्रमोशन दे दे ज्ञानशी, कुछ भी प्रमोशन दे दे, वो प्रमोशन अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो आप मेरा नाम बदल सकते हो। आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप वो काम कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, उस काम पे विश्वास कीजिए जो हम बता रहे हैं। 100 लोगों को मिलना एक महीने में का मतलब है मैक्सिमम 4 आदमी को। अगर आप 4 आदमी को एक दिन में मिल सकते हो ना, तो 25 दिन में 100 आदमी फ्री, और 100 आदमी को मिलने का मतलब आप 5-स्टार होटल में एंजॉय कर रहे होंगे, 30,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया होगा, और शानदार 4-5-7-10 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ जुड़ चुके होंगे, जो एक ऐसा माहौल बनाने वाले आपकी जिंदगी का, यकीन करना एक डेस्टिनी तैयार हो जाएगी, जिंदगी का वो मुकाम हासिल करने की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी ना की हो। दिस इज द पावर ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ पॉलिसीज, चाहे वो अभी 100 बीवी का पॉलिसी आया है, सोचिए आप 100 बीवी कोई ब्रॉन्ज करेगा तो आप उसको उसको प्रमोट करने का तरीका है। आपने किसी को कोई चीज दिखाई और लास्ट में आपको लगता है कि वो ना प्लेटिनम कर रहा है, ना गोल्ड कर रहा है, ना सिल्वर कर रहा है, आपको उसको ब्रॉन्ज में क्लोज करना है, तो आप उसको लास्ट में ये कहकर उसकी क्लोजिंग बहुत इजी हो जाती है जब आप बोलते हो ना, अगर आपने क्योंकि ये आपको पता है, ये सबको पता नहीं है, ना प्रोस्पेक्ट को पता है। हम क्या है ना, बेमतलब के हरिश्चंद्र में बन जाते हैं, बेमतलब के हरिश्चंद्र का मतलब मैं बहुत बारी कईयों कहानियां बताता हूं, मैं आज नहीं बताऊंगा वो वाली, बट इतना बताना चाहूंगा, जो बातें नहीं बोलनी चाहिए हम हरिश्चंद्र बनके वो बातें भी बता देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। कैसे यार, हमारी तो ना हर महीने पॉलिसी आती ही रहती है, पहले तो आपने ये राम कहानी गा दी बेमतलब में, इसकी जरूरत नहीं थी बताने की, हर महीने पॉलिसी आती ही रहती है, इसका मतलब ना क्या सोचेगा कि चलो अगली बारी भी तो आती होगी तब कर लेंगे। इसकी जगह अगर आपने ये कहा ना, देखिए सर, इस महीने तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके लिए ये मान के लो आपकी लक इतना अच्छा है, इस महीने अगर आप ब्रॉन्ज से भी शुरू करोगे ना, लगभग 2800 रुपए का सामान आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिल जाएगा, तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। और बढ़िया बात तो पता क्या है, अगर आप इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो 10,000 रुपए का सामान अलग से मिलना, करना तो है ही है। आप क्या सोच रहे हो, अच्छा आप करोगे कि नहीं, क्या सोचा क्या देखा, वो भी सोचेगा और देखेगा बेमतलब में, आपने जबरदस्ती सोचेगा और देखेगा कर दिया उसका, उसने करना ही नहीं था, सोचेगा देखेगा, उसने तो करना था, आपने पहले से बोल दिया क्या सोचा क्या देखा। अरे आप ये बोलिए, करना तो है ये सर। तो अगर आप 100 बीवी से करोगे तो सिर्फ 2500 का फायदा है, लेकिन अगर आप गोल्ड से शुरू कर दो ना, 10,000 का फायदा मिलने वाला है इस बारी। तो सामने वाले को लगता है कि इसका मतलब अगर मैंने नहीं किया तो लूज हो जाएगा, तो चलो जब करना ही है तो बहुत ही आदमी फंसा होगा, तो बोलेगा चलो ब्रॉन्ज से शुरू करता हूं मैं, और नहीं तो दोस्तों सामने वाला बोलता है कि भाई साहब गोल्ड से ही करेंगे, क्योंकि सामने दिख रहा है कि 10,000 का फायदा मिल रहा है अभी, तो क्यों नहीं। तो प्रमोशन करने का तरीका है ये, कंपनी ने जो प्रमोशन दी है, हथियार तो दे दिए लेकिन चलाना नहीं आता, जो चलाने वाले यहाँ आ रहे हैं सिखाने के लिए उनकी सुननी नहीं है। जब आप किसी को अपनी टीम को यहाँ आप बोलते हो कि मेरी टीम तो मुझे सुनती ही नहीं है, क्यों नहीं सुनती, क्योंकि आप अपने सीनियर को नहीं सुनते हैं। अगर आपने अपने सीनियर को सुनना शुरू कर दिया, आपकी टीम तो छोड़ दीजिए, ना जाने कैसे कैसे लोग सुनेंगे आपकी, जो कभी सोचते भी नहीं थे सुनने की। लोग आपको इसलिए नहीं सुनते
क्योंकि उनको भी पता है आप भी किसी की नहीं सुनते हैं। जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया ना जीवन में, और जिस दिन आपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया ना, हम इनकी सुनते हैं, हम इनकी सुनते हैं, लोग पता क्या बोलेंगे, हम आपकी सुनेंगे, हम आपकी सुनेंगे। तो दोस्तों जो हम चाहते हैं ना हमारे साथ हो, वो पहले करना पड़ेगा। प्रमोशन एक कला है इस बिजनेस में। मान के चलते हैं हिमाचल में प्रोग्राम हुआ है, अभी हिमाचल में 4 तारीख को 5 तारीख को जबरदस्त अल्टीमेट शानदार सुपर से भी ऊपर का लेवल का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में अगर आप उस प्रोग्राम में आते, उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते, आपको क्या फायदा होता, वहां के लोगों को क्या फायदा होगा, ये आपकी गलतफहमी है। जिस इंसान को ये लगता है कि मेरी वजह से काम चल रहा है किसी का भी, ये उसकी बहुत भयंकर गलती है। आपकी वजह से चलना होता तो आपका सबसे पहले चलता भाई साहब, है ना। अगर आपका नहीं चल रहा है और फिर भी गलतफहमी में चल रहे हो कि हमारी वजह से किसी और का चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कैसे चलता है, मैं वो एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी किसी भी इवेंट में जाएं, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी इवेंट मिस मत करना, क्योंकि उस इवेंट में जाने से जो आपकी टीम को पता चलता है ना, जो फीलिंग आती है, वो ये फीलिंग आती है अब ये वहां गया हुआ है, पता नहीं इसने हिमाचल भी शुरू तो नहीं कर दिया। अब मान लो आप गुजरात में प्रोग्राम है, कोई गुजरात पहुंच जाएगा प्रोग्राम में अपने गेस्ट के साथ, बिना गेस्ट के साथ, जैसे मर्जी पहुंचे, लेकिन जो पूरी टीम होती है उनको एक ही मैसेज आता है, एक आदमी अगर गुजरात गया है, एक आदमी अगर जयपुर गया है, एक आदमी अगर दिल्ली गया है, और एक आदमी अगर हिमाचल गया है, इसका मतलब एक आदमी लखनऊ में गया है, एक आदमी कलकत्ता गया है, एक आदमी गुवाहाटी गया है, एक आदमी हैदराबाद गया है, इसका मतलब भाई साहब इनका तो बढ़िया प्रोग्राम हो गया सेट, ये तो लगे पड़े चारों तरफ, इनका तो बेड़ा पार हो जाना है, हम करें ना करें। उनको लगता है कि हम रह ना जाएं, इसलिए हमको भी करना है। ये मैसेज जाता है आपकी टीम को जब आप आगे रहकर लीड करते हो। जब आप कहीं भी जाते हो, किसी भी इवेंट को अगर आप प्रमोट करते हो, यकीन करना आप अकेले नहीं जाते हो। जब आप किसी इवेंट को प्रमोट करते हो कि मैं इवेंट में जा रहा हूं, आपके पीछे लाइन लगती है, ना जाने कितने लोग इस इवेंट में आते हैं, और जब इवेंट में आते हैं ना दोस्तों, वहां चमत्कार होता है। इवेंट में जो चमत्कार होता है सिर्फ वो इंसान महसूस कर सकता है जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। आज अगर हम बात करें इस बिजनेस में हमारा जो ब्रेक थ्रू हुआ है, जब हमारी जिंदगी की दिशा दशा बदली है ना, वो तब बदली है जब हम इवेंट में गए, जब सेमिनार में गए, जब मीटिंग में गए, और हर मीटिंग में जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। आज भी हर मीटिंग में, हर सेमिनार के बाद जो मैं महसूस करता हूँ ना अपने आप को, और ज्यादा अपलिफ्टेड मानता हूँ। व्हाई? बिकॉज ये फीलिंग मुझे आती है, 20 साल बाद भी आज मुझे फीलिंग आती है, और आज मैं इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ इवेंट को, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों इवेंट को प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब ये नहीं है इस महीने पॉलिसी आई है वही प्रमोशन है बस, इसका मतलब हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं, अभी मूर्ख हैं, अभी पता ही नहीं हमें करना क्या है। चाहते हैं लाखों करोड़ों रुपए आ जाए इस बिजनेस। ये पैनल इसलिए बनाया गया है, आईडी नेट सिस्टम की स्थापना इसलिए की गई है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये तीनों ही कहते ना, जो लोग मूर्ख होते ना, मूर्ख अगर वो मोटिवेट हो जाए ना तो उनको उनको बोलते हैं इडियट, इडियट अगर मोटिवेटेड हो जाए, मोटिवेट हो जाए तो उसको बोलते हैं मोटिवेटेड इडियट। अगर आप बंदर के हाथ में AK-47 पकड़ा दोगे ना, वो लोगों को मारेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है AK-47 को यूज कैसे करना है। सेम चीज है, इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त जिंदगी को बदलने वाला मौका आपके पास है। अगर आज भी आपको इसको प्रमोशन करना नहीं आ रहा है, आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? काम नहीं करेगा, नुकसान उल्टा हो जाएगा, रोते रहेंगे भाई साहब हम तो फंस गए, हम तो मर गए, हमें तो फंसा दिया है ना, हम तो कभी किसी को नहीं फंसाएंगे, हम तो गलत काम में पड़ गए, हमको तो पता ही नहीं था, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं ये, इनकी मीठी बातों में फंस गए हम, है ना। बस वाए, क्योंकि आपने काम करना सीखा ही नहीं। यही वजह है कि शायद आप जीवन में कुछ भी करते हैं, हर काम के अंदर आप एक्सक्यूज ढूंढते हैं, हर काम के अंदर आप कमियां ढूंढते हैं, हर जगह आप बुराइयां ढूंढते हैं। आप कोई भी काम कर लें, किसी के साथ भी काम कर लें, आप हर आदमी की कमियां निकालते हैं, हर आदमी आपको बेकार लगता है, हर आदमी खराब लगता है, आपको लगता है कि मैं ही सही हूं। अरे अगर आप सही हो ना, कहते ना अगर किसी इंसान को ये लगे ना कि सभी लोग बेकार हैं, तो इसका मतलब गारंटेड है, 100% नहीं, 1000% गारंटेड है, कोई खराब नहीं है, आप खराब हो।
जिस इंसान को ये फीलिंग आ जाए ना, मैं जा जाता हूं जिससे भी, सर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं बोलता हूं आपके साथ नहीं होता है, आप हो ही ऐसे, आपके साथ होना ही ऐसा चाहिए, सोचिए आप। क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करनी है, स्पॉन्सरिंग करनी है, उसके बाद जो सबसे, अगर आपको बिजनेस को आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना, आप चाहते हो आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो, आपकी टीम लीडर्स की वाली बनी हो, अगर आप लीडर्स तैयार करना चाहते हैं, अपनी टीम में डुप्लीकेशन खड़ा करना चाहते हैं, लर्न टू प्रमोट द इवेंट ऑफ द कंपनी, इवेंट ऑफ द सिस्टम। यकीन करना जितने सारे एजुकेशन ट्रेनिंग मोटिवेशन के BBS और बहुत सारे प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो कर रहे हैं, IDNET सिस्टम, आपको नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। एक साल के अंदर आपके जीवन एक अलग दिशा में पहुंच जानी चाहिए। 2-3 साल के अंदर ऐसी जिंदगी जो आसपास में जो लोग हैं ना, वो भी एक बार ये बोले कि पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं ये, इतनी तेजी के साथ इतनी जबरदस्त ग्रोथ कैसे हो गई है इसकी, ये पॉसिबल है। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आज का जो टॉपिक था दोस्तों, वो ये था कि आपको अंडरस्टैंड करना है ये बिजनेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस। जब तक आप बिजनेस का नेचर ही नहीं समझ पाए हो, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो द पावर ऑफ टियंस, पावर ऑफ IDNET सिस्टम, पावर ऑफ अपलाइंस लीडर्स मेंटर्स गुरु, यकीन करना जब तक इन चीजों को यूज नहीं करेंगे, चीजें वो नहीं होंगी जो चाहते हैं आप। क्योंकि चाहने से कभी नहीं होता है, करने से होता है। खाली चाहने मात्र से होना होता तो मैं भी यहाँ चुपचाप बैठा रहता, क्या जरूरत है मुझे डेली यहाँ आने की। मैंने ठान रखा कि मैं 365 में से 365 दिन पैनल में रहूंगा। क्या आपने ठाना है? क्या आपने अपने आप से वादा किया है? दिस इज प्रमोशन। मैंने प्रमोशन किया ना, मैं हर रोज आके बोलता हूँ मैं 365 दिन रहूंगा, मैं कहीं भी रहूंगा मैं वीडियो में रहूंगा। वाई, क्या लगता है मैं क्रेजी हूं, मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ? आप समझिए बात। इस इंडस्ट्री में लोग अरबों खरबोंपति बन गए हैं, याद रखिएगा 1,500,000,000,000,000 की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोग अपने हवाई जहाज में उड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री के लोग। सोचो कि कौन सी इंडस्ट्री है जहां लोग लगभग जीरो से शुरू करते हैं, अपने हवाई जहाज हैं, अपने हेलीकॉप्टर हैं और मल्टा मिलियनियर मल्टा बिलियनियर बन गए इस इंडस्ट्री से। कौन सी इंडस्ट्री है? दिस इज द इंडस्ट्री। एक ऐसा काम आपके बाद आपके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस, कौन सा काम? दोस्तों काम तो करना ही है ना जीवन में। 30-40 साल काम कर लो, उसके बाद भी पता नहीं क्या होगा। यहां मैं कहता हूं कि 2-3-4 साल काम कर लो और वो काम करो जो बताया जा रहा है, और फिर देखो जिंदगी कहां पहुंचती है। क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। तो प्लीज डुप्लीकेट प्रोस्पेक्टिंग, डुप्लीकेट स्पॉन्सरिंग एंड डुप्लीकेट प्रमोशन। अगर आपने इनको प्रमोशन करना सीख लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ 1600 बीवी वाले कितने लोग हैं इस पैनल में जो बोलते हैं सर 1600 बीवी करके छोड़ेंगे, हर रोज 4 आदमी से मिलेंगे और 28 तारीख से पहले हमारे खाते में 1600 बीवी छोड़ दीजिए, 3200 बीवी होंगे। अकेले नहीं जाएंगे, हो सकता है 2 को लेके जाएंगे अपने घर से। ये पावर है सिर्फ 4 आदमी को मिलने का। आपको डेली 4 आदमी से मिलना है। 4 आदमी के पास जाके प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। कोई 100 से करेगा, कोई 200 करेगा, कोई 400 से करेगा, और सोचिए आप देखते देखते आपके सामने नज़ारे बदल जाएंगे और आप बोलोगे कमाल हो गई, कमाल हो गई, कमाल हो गई। कमाल तभी होता है जब आप कुछ करते हो। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। बेस्ट विशेज टू यू टियंस, आपकी ज़िंदगी शानदार करे, अल्टीमेट करे, ज़बरदस्त करे, ये बेस्ट विशेज हैं। और मैं इतने कहूँगा, हमारी ज़िंदगी इतनी शानदार भगवान ने की, ईश्वर ने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई फैमिली, हर दुख और सुख में, हर पल हर घड़ी मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया अनकंडीशनली। एंड नंबर 3, अवर चेयरमैन ली सर, जिन्होंने इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास कंपनी खड़ी की। आज 1,000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर कंपनी का, पूरी दुनिया में फैला हुआ साम्राज्य है जिसमें हम एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं। और आप सबके लिए यही दुआएं हैं, क्योंकि आप सबकी वजह से, आप सबका रोल है, एक एक का रोल है किसी की जिंदगी को शानदार बनाने में, किसी कंपनी को बड़ा करने में, हर शख्स का हाथ होता है। यही दुआएं हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, कि आने वाले सालों में आपकी जिंदगी भी जबरदस्त सुपर डुपर अल्टीमेट बन जाए टियांस से। आज के लिए इतना ही। बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव IDNET सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अभी जा रहे हैं हम लोग दुबई 5 दिन के लिए, और 5 दिन के लिए हम जा रहे हैं चाइना, और फिर उसके बाद जा रहे हैं हम लोग कश्मीर, और एक शानदार नया टूर आपके लिए आने वाला है। फिलहाल हम 1600 बीवी के साथ 5-स्टार होटल में
दो दिन एक रात का शानदार जबरदस्त प्रोग्राम करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं उस प्रोग्राम में आप तो जरूर मिलेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस टू यू।